अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुहमा इरफान मलिक और सिर्फ आज यूट्यूब पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज हम आए हैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी और यहाँ पर कवाली नाइट है और ये हम सबको ही पता है कि जब भी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कोई भी इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जो लड़कियाँ होती हैं उनकी तो तैयारी जो होती है वो देखने वाली होती है और लड़के भी किसी से कम नहीं रहते और वो भी खूब तैयार शैयार होके आते हैं। तो टू कट इट शॉर्ट, जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सो आज हम यहाँ पर आपको कवाली नाइट भी दिखाएंगे और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो बड़ा सज धज कर आए हैं, एक्साइटेड भी हैं और इन्जॉय करने के भी मूड में हैं, सो उनके साथ मिलकर हम और आप इन्जॉय करेंगे, पूछेंगे उनसे सवालात और जो हमें सही जवाब देगा उसको हम गिफ्ट भी देंगे और इसके साथ साथ और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ आज हम करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोइस मेरा नाम है। मोइस, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बीएनयू में? मैं बीएनयू का स्टूडेंट ही हूँ, मैं यहाँ पे एज अ प्राइवेट डेलीगेट हूँ। अच्छा, यहाँ पर अलाउ है, बाहर से भी लोग आ सकते हैं? मेरे ख्याल से आपके ख्याल से आ सकते हैं, आपको यकीन क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप आ गए हैं तो फिर कोई भी आ सकता है। मैं किसी और के सहारे आया हूँ, लाइक। हाँ, तो किसी का भी सहारा हो तो वो आ सकता है ना? ठीक, मुझे ये बताएं आप करते क्या हैं? स्टडीज कर रहा हूँ। स्टडीज में क्या पढ़ रहे हैं? मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ। ओ लेवल्स कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कवाली नाइट है यहाँ पर, कवाली सुनना आपको अच्छा लगता है या बस ऐसे ही शुगल के लिए आ गए? शुगल के लिए। कभी कोई कवाली सुनी, कोई कवाल आपको बहुत ज्यादा पसंद है? नहीं, कोई भी नहीं है। वेरी सैड, कवाली नाइट पर आए हुए हैं और कोई कवाली नहीं सुनी, कोई कवाल नहीं पसंद? लेकिन समझ नहीं आती, सर के ऊपर से गुजर वो उन्हीं को ही ज्यादा समझ आती है जिनका कोई तार जुड़ी होती है इस तरह की चीजों के साथ। सही बात। चलें, आपसे पूछेंगे एक सवाल और वो सवाल ये है कि वो कौन सा जानदार है, जानवर है जिसके 20,000 दांत होते हैं? पता नहीं। ट्राई कर लें, पता नहीं तो बड़ा कहना आसान है ना, कोई तुक्का मार ले। ज़हन में भी नहीं आ रहा कोई। कोई जानवर भी नहीं ज़हन में आ रहा? नहीं, कोई भी नहीं आ रहा ज़हन में? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा। ज़ू को माइंड में लाएं, चिड़ियाघर को माइंड में लाएं, ऑटोमेटिकली आपके इमेजिनेशन में जानवर आना शुरू हो जाएंगे। चलें, इसको छोड़ें, आपको याद ही नहीं आना। आपके ग्लासेस किससे इंस्पायर होकर आपने ये ग्लासेस खरीदे? हैरी पॉटर से? नहीं। या आजकल वो जो कपल बहुत ज्यादा हिट हुआ है सोशल मीडिया पर जिनकी कोई 18 साल की उम्र में शादी हुई? मैंने इसे पहले का लगाया है। उसे पहले के लगा, समझ गए हैं फौरन। वैसे आप उसी के जैसे लगते हैं ग्लासेस से, और वैसे भी आप छोटे से ही लगते हैं। किसी ने कहा है पहले आपको ये कॉम्प्लीमेंट दिया? नहीं नहीं दिया, चले मैंने आपको दे दिया। ठीक, हम करते हैं टंग ट्विस्टर, वो तो कर लेंगे या वो भी समझ में नहीं आएगा? कर लें, कर लें। टंग ट्विस्टर ये है, वैसे आज का टंग ट्विस्टर बहुत मुश्किल है, सो मुझे भी उसको जरा रिकॉल करने में मुश्किल होगी। रबर बर्बर गरबर बर्गर, गौर से सुने फिर शायद हो जाए, बहुत मुश्किल है ये। रबर बर्बर गरबर बर्गर, मैं बहुत आराम से कह रही हूँ, ये बहुत मुश्किल। रबर बर्बर गरबर, आगे का था बर्गर। बर्गर रबर गर, वेट, रबर बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्गर, रबर बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्बर बर्बर। वेल, थैंक यू सो मच मोइज, अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? माय नेम मोहम्मद सलाहुद्दीन। मोहम्मद सलाहुद्दीन जी, सलाहुद्दीन। हाँ जी, सलाहुद्दीन किसने नाम रखा? सलाहुद्दीन ये मेरे, पता नहीं किसने रखा है, घर वालों ने कहा कि ये नाम है आपका, तब से शुरू से ये। घर वालों ने आपको बताया कि ये नाम है आपका? आप इतने मुन्ने से पैदा हुए तो आपको समझ आ गई? बड़े तो होते होते गए, उसके बाद फिर पता लगता गया कि क्या नाम है, नाम हमारा क्या है। ठीक है, जब स्कूल में हम एडमिशन लिया था पता लग गया कि जी ये हमारा यही नाम। अच्छा, ये बदल ही नहीं सकता? ये ही रह सकता। आपने कोशिश भी नहीं? नहीं, कोशिश क्यों कर? कोशिश क्यों कर? पुराना नाम है ना सलाहुद्दीन अयूबी। बहुत अच्छा नाम है ये, बहुत। नहीं नहीं, बहुत अच्छा नाम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम है, लेकिन आप भी उतने स्ट्रॉन्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ड्रामे श्रामे देखते हैं?
देखना था ना सलाहुद्दीन, एक हम टीवी पर ड्रामा लगता था, उसमें एक सलाहुद्दीन बड़ा पावरफुल कैरेक्टर था। पता नहीं होगा सीएसएस, उसने नहीं सीएसएस किया, पता नहीं, मैं खुद भूल गई हूँ, लेकिन बड़ा पावरफुल कैरेक्टर। नहीं याद नहीं। ठीक है, अभी मैं ना इसके बाद आपको ड्रामे का नाम बताऊंगी, लाजमी देखना। ठीक हो, फिर वैसा वाला सलाहुद्दीन बन। ठीक है, ओके। मुझे ये बताएं, कवाली नाइट है बीएनयू में, कवाली सुनने में कोई इंटरेस्ट भी है या सिर्फ एक इवेंट की खुशी में आज आप आ गए? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कवाली सुनने। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह क्यों का इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने की? क्योंकि ये मतलब मैं समझती हूँ कि कवाली सुनना ना जो मतलब एक अच्छा काम है, मतलब सुनना चाहिए जिसको, जो मतलब कह लो कि दुखी लोग होते हैं ना उनको कवाली सुननी चाहिए। ये बड़ा अच्छा काम है। हाँ, फिर सारी दुनिया कवाली क्यों नहीं सुनती, इतना अच्छा अगर काम? या मैं तकरीबन जितने लोगों को अपने पास आसपास देखता हूँ सब, मैं आपके पास खड़ी हूँ, मैं तो नहीं सुनती। आप फिर पता नहीं क्यों नहीं सुनती, इसका जवाब तो आपसे पूछना पड़ेगा। चले आप मुझसे पूछे फिर मैं आपको बताऊँ आप क्यों नहीं सुनते। क्योंकि मुझे अभी कोई क्या नहीं? बस अभी जो आपने कहा वही। अच्छा, नहीं लगाना, अल्लाह का शुक्र है। रोग क्या कहते हैं, इश्क का रोग, अल्लाह माफ करे, लगे भी ना कभी किसी को, सो इसलिए मैं सुनती हूँ। जी ठीक। आपको कोई लगा? नहीं मुझे तो नहीं। अब मैं मतलब लाइव मतलब मैं आपको क्या बताऊंगा मुझे क्या इश्क का रोग। आपने कहा ना कि जिनको इश्क से और इन चीज़ों से होता है वो फिर कवालियाँ सुनते हैं। हाँ वो सुनते हैं, लेकिन मुझे हुआ नहीं फिलहाल, हो सकता हो जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अच्छा चले, हो सकता है हो जाए, अभी तक हुआ नहीं। ओके, मुझे ये बताएं कि कौन सी कवाली आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, कौन से कवाल आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? नुसरत फतेह अली। सारों को नुसरत फतेह अली खान ही पसंद है, कोई एक कवाली उनकी बहुत पसंद है? बहुत पसंद है, मैं फिडो ढूंढता मैं कदा तोबा तोबा। अच्छा, ये वाली मतलब क्या है इसका? मतलब अब क्या इसमें नुसरत फतेह अली खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं अपने सुनने वालों को, क्या सुनाना चाह रहे हैं? वो सुनाना चाह रहे हैं कि मतलब जब मतलब आपको इश्क हो जाता है ना, ठीक है, तो तब मतलब आप जो है ना वो कहते हैं कि बस मैं ग्लास और मैं अकेला बैठा हूँ और किसी क्या ना? ग्लास किस चीज़ का? ग्लास जाम हो, जाम भरा हो, ठीक है, जाम जाम ब्रेड जाम वो वाला जाम? नहीं नहीं वो नहीं, मतलब वो कह लें आपके पानी कह ले, ठीक है। ओके ठीक है, आपसे पूछेंगे एक पहेली, और वो पहेली ये है कि आपने आटा पिसवाने जाना है, आपके पास साइकिल हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, मोटर बाइक हो सकती है, किस चीज़ का इंतखाब करेंगे आटा पिसवाने जाने के लिए, किस व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे? आटा तो पहले ही पीसा होता है। आटा कैसे पहले पीसा होता है? आटा पहले पीसा होता है, कनक से आटा बनता है, तो मतलब वो पीसा कनक को पिसवाएंगे तो आटा बनेगा ना। This is the right answer, और आपने बड़ा क्विकली दे दिया, शक्ल से आपकी लग नहीं रहा था कि आप दे देंगे, मुझे लगता आपने किसी इंटेलिजेंट आई एम आप इंटेलिजेंट है, पीछे से आपको किसने थप्पड़ क्यों मारा? दोस्त है मेरा। अच्छा दोस्त है आपका, इतने वो मासूमाना अंदाज में क्यों कह रहे हैं दोस्त है मेरा? आपको ऐसे हर कोई आता जाता थप्पड़ मारता? नहीं ऐसी इतनी भी बात नहीं है, उससे प्यार है, इस वजह से जैसे प्यार हो वो आपको थप्पड़ मार, हाँ, वो मार सकते। और अगर वो प्यार करने वाला वो हो जिसके लिए आप कवालियाँ सुनते हैं उसको भी थप्पड़ मारना जाए? हाँ। वेल, अच्छा लगा आपसे बात करके, ये रहा फोर टाइल का गिफ्ट आपके लिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, रूमा। अरोमा। अरोमा नाम है आपका, और मेरा नाम है रुहमा। ओके, शिजा। शिजा और अरोमा, आप दोनों बीएनयू की स्टूडेंट्स हैं? जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ी? बीबीए के हैं हम लोग मेजर्स। आप भी बीबीए? आईटी विद में। ठीक, कितना अर्सा हो गया आप लोगों की दोस्ती को? हम लोगों की दोस्ती को अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं। कुछ ही दिन हुए हैं, और अभी फ्रेशमैन है हम लोग, अभी स्टार्ट हुआ ना, उस वजह से तो नए नए दोस्त और नए नए लोग मिले। सही, कवाली नाइट है यहाँ पर, आपको कवाली सुनने में कोई दिलचस्पी है भी या सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का इवेंट था तो आपने कहा जाकर अटेंड करा है, मजा आएगा? मेरे लिए तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का इवेंट था जो मैंने सोचा कि अटेंड करना है, नहीं मेरी दिलचस्पी है कवाली। कवाली में कोई कवाल आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, कोई लेजेंड? राहत फतेह अली खान। कोई उनका बहुत फेमस कवाली या उनका कोई बहुत खूबसूरत गीत? जरूरी था कि हम दोनों तो वहाँ पे आरजू करते हो। इसका मतलब? ये थोड़ा रोमांटिक में चल जाता है। अच्छा रोमांटिक में चल जाता है, ओके, तो रोमांटिक में चलना कोई बुरी बात तो नहीं है, है ना? हाँ।
आप बताएं आपको कोई दिलचस्पी नहीं कवालियों में? नहीं, मुझे बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी। सर के ऊपर से गुजर जाती है क्योंकि ऑब्वियसली उर्दू बड़ी सकील होती है। मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है। सर के नीचे से क्यों नहीं गुजर? मुझे अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए शायद सर के ऊपर। सर के नीचे मुंह होता है। ठीक, आपसे पूछेंगे एक सवाल और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जिसको फ्रूट गार्डन भी कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रूट्स की पैदावार होती है। आई थिंक मुल्तान। मुल्तान इज नॉट द राइट आंसर। नॉट, फिर उसके अलावा पाकिस्तान की मेजर सिटीज में से ही है। कराची। नो, वन लास्ट चांस, अगर अब आपने दे दिया तो ठीक, अदरवाइज बाय बाय। ओके, फिर अपना लाहौर। लाहौर, कराची, मुल्तान, तीनों सही जवाब नहीं है। और लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप अपनी इवेंट को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो आज हम आए हैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, जहां पर कवाली नाइट है, और यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और हम और आप मिलकर इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ आज का शो एंजॉय कर रहे हैं। प्रोग्राम में हम यहां शामिल करेंगे एक ब्रेक, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ और स्टूडेंट्स के पास चलेंगे, उनसे चिटचैट करेंगे। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम औरंगजेब है। औरंगजेब, पूरा नाम? औरंगजेब आलमगीर। या आलमगीर है वाकई? नहीं नहीं, आलमगीर नहीं, औरंगजेब है। औरंगजेब है, ठीक। औरंगजेब, आप थके नहीं, आप बड़ा एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, कवाली पे डांस ही वैसे मैंने पहली दफा ही देखी। बस ये थोड़ी सी एंजॉयमेंट हो रही है हमारी। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा ही है, पर काफी दिनों बाद हुई है, महीनों बाद तकरीबन, तो और मैं थका भी नहीं हूँ अभी। ठीक, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं बीकन हाउस में? मैं यहाँ पे TFT का स्टूडेंट हूँ। स्टैंड्स फॉर व्हाट? थिएटर, फिल्म एंड ड्रामा। अच्छा, यानी कि रिलेवेंट टू मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन की ही आगे एक फील्ड है ये हमारी फील्ड, इसको SMC कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि कवाली में कोई इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, या सिर्फ एक इवेंट था और उसको एंजॉय करने आज आप आ गए? मैं इवेंट था, मैं इनका फैन तो नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, मैं अपना नुसरत लेजेंड। डांस तो आप इस तरह कर रहे थे जैसे आप बड़े कोई फैन होते हैं? नहीं, फैन नहीं हूँ, बट डांस का शौक रखता हूँ, इस तरह डांस कर रहा था। सही हो गया। मुझे ये बताएं कि अगर हम आपसे एक सवाल पूछें तो क्या होगा? क्या होगा? आपको गिफ्ट मिले अगर आपने ठीक जवाब दिया। क्या गिफ्ट? क्या ये मैं ऐसे ही बता दूं? चले, अच्छा तो फिर मजा आया। ठीक है, अब पहेली पूछती हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछती। पहेली? ठीक है, आपके पास एक गाड़ी है, या फिर आपके पास एक साइकिल है, और या फिर आपके पास एक मोटर बाइक हो सकती है, तीनों में से कोई एक चीज। आपने आटा पिसवाने जाना है, किस व्हीकल का इंतखाब करेंगे तीनों में? आटा पिसवाने जाना है। कभी गए आटा पिसवाने? नहीं कभी। क्यों? रोटी नहीं खाते? रोटी तो खाते हैं, पर पिसवाने थोड़ी मैं गया हूँ। मेरे ख्याल से मिक्सचर जो चीजों को मिक्स करता है। क्या जवाब दे रहे हैं? मिक्सचर। मैंने कहा आपके पास बाइक की ऑप्शन है, गाड़ी की ऑप्शन है, या साइकिल की ऑप्शन है, आपने आटा पिसवाने जाना है, किस व्हीकल का इंतखाब करेंगे? अगर आपने आटा पिसवाने जाना है तो बाइक। बजा। मैं जल्दी हो आए। जल्दी हो आएंगे, गाड़ी में उससे जल्दी नहीं हो आएंगे। गाड़ी पर रश में फंस सकती है, बाइक में ऐसे ऐसे करके निकल जाऊंगा। आप ऐसे 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 वाली बाइक चलाते? हाँ, पहले चलाता था, फिर कभी ऐसे करके हो गए? एक दो दफा। मेरी पहेली जो है उसी में ही आंसर है, आप गौर से सुने कि आपके पास तीन व्हीकल्स की ऑप्शन है, ठीक, और आपने आटा पिसवाने जाना है, आप किस व्हीकल का इंतखाब करेंगे? दोबारा सोच के, आटा पिसवाने जाना है, आटा तो पहले ही पिसा होता है, उसको क्या पिसवाने? पिसा होता है, कैसे पिसा होता है? पहले मैन्युफैक्चर होता है? नहीं नहीं, क्या चीज पिसती है तो आटा बनता है? गंदम।
तो ये इसका सही जवाब था। आपको फोर टाइल की तरफ से एक गिफ्ट देना चाहेंगे, ये रहा फोर टाइल का गिफ्ट आपके लिए, लेकिन आपको एक टंग ट्विस्टर भी करना पड़ेगा। अच्छा वो थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं खुद भी भूल रही हूँ, लेकिन ट्राई करते हैं, दोनों ट्राई करते हैं। रबर बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्बर गरबर बर्गर, नहीं रबर बर्बर गरबर बर्गर, तीन दफा कहते हैं रबर बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्बर गरबर बर्गर। वाओ अब मुझसे भी सही होने लगा, फिर भी नहीं होगा ये, ट्राई करें। रबर बर्बर बर्गर गरबर, रबर बर्बर फिर रबर, रबर बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्बर गरबर बर्गर। ऑल थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा आप बीकन हाउस के स्टूडेंट हैं? नहीं जी। पहले नहीं क्यों कहा, यकीन नहीं है? मैं घबरा गया था इसलिए। घबराए किस बात से? आकर देखा स्टूडेंट हूं। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़े? कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। मुझे ये बताएं कवाली में किस हद तक दिलचस्पी है? कवाली में दिलचस्पी है काफी हद तक है। किस हद तक? बहुत ज्यादा। अब हद तो कोई होती नहीं किसी चीज। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा समझ आती है। बिल्कुल। कौन सा कवाल आपको बहुत ज्यादा पसंद? नुसरत। नुसरत अली खान। और उनका कौन सा कलाम आपको सबसे ज्यादा पसंद? ये ताजदार हरम। ओके ठीक, आपसे पूछेंगे एक सवाल, और वो सवाल ये है कि वो कौन सा जानवर है जिसके मुंह में 20,000 दांत होते हैं? सोचें, तुक्का मार लें। 20,000 फिश। फिश नहीं। फॉर एग्जांपल मैं क्यों आपको बताऊं? ये समुंदर में होता है कि अपना लैंड पे? लैंड पर होता है। एलिगेटर। एलिगेटर इज नॉट द राइट आंसर। चले एक टंग ट्विस्टर करते हैं, अगर आपने ठीक से फॉलो कर लिया 5 दफा तो आपको गिफ्ट दूंगी। और वो टंग ट्विस्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो ये है कि रबर बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्बर गरबर बर्गर, बर्बर गरबर बर्बर, रबर बर्बर गरबर बर्बर, रबर बर्बर गरबर बर्बर, रबर बर्बर नहीं है बर्गर है, रबर बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्गर, रबर बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्बर, रबर बबर गरबर बर्गर, रबर बबर गरबर बर्गर, रबर बबर गरबर बर्गर, रबर बबर गरबर बर्गर। हो गए। वेल आपने तकरीबन ठीक कर ही लिया। आपको फोर टाइल की तरफ से एक गिफ्ट देना चाहेंगे। ये रहा फोर टाइल का गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा। कासिम बाजवा। ओके हमजा और कासिम बाजवा, आप दोनों BNU के स्टूडेंट्स हैं? जी बिल्कुल, हम BNU। ठीक हो क्या? कौन सा सब्जेक्ट पढ़े? मैं BNU से नहीं हूँ। अच्छा आप BNU से नहीं हैं, आपको लाने वाला कौन? मैं खुद आया। नहीं कोई किसी के रेफरेंस से तो आप आते हैं? जी स्पॉन्सर दिया हुआ अंदर। अच्छा आप इतने बड़े कोई सेलिब्रिटी, आपको स्पॉन्सर दिया? हमें तो स्पॉन्सर मिला। स्पॉन्सर दिया हुआ अंदर। अच्छा आपने स्पॉन्सर दिया हुआ है? ओके आई मिसअंडरस्टूड। ठीक आपने स्पॉन्सर दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो आप इस चक्कर में आए हैं। कवाल आपने अपनी मर्जी का मुंतखब किया या ये यूनिवर्सिटी की चॉइस? यूनिवर्सिटी की अपनी चॉइस। आपकी चॉइस क्या होती अगर आप चुनते? राहत। फिर उसके लिए आपको पैसा भी अच्छा खासा देना पड़ता? पैसे का कोई मसला? पैसे का कोई मसला नहीं। मतलब यूनिवर्सिटी को आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप दोबारा भी राहत फतेह अली खान को बुला लें, हम पैसा देने को तैयार? ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कवालियों में आपको किस हद तक इंटरेस्ट है? मुझे इतना ज्यादा नहीं। तो फिर आप क्या करने हैं? प्रोग्राम और दोस्तों के साथ आ जाता हूं, इसके लिए कहने में क्योंकि इसने स्पॉन्सर किया हुआ था, और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी हूं तो मैं फिर भी नहीं आता है। आगे आप ना आते? इतना इंटरेस्ट नहीं। कभी कोई कवाली समझ आई? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड्स, सकील उर्दू इस्तेमाल। कवाली समझ तो आती है कि इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज तो हमारी ही है ना, उर्दू लैंग्वेज है, क्यों नहीं समझ आती? समझ तो आती है। आपके नजदीक कौन इस वक्त लेजेंडरी है कवाल? कवाल कौन सबसे अच्छे? नुसरत, लेकिन वो तो वफात पा चुके हैं ना। अब करंट? अब कोई नहीं मेरी नजर। अभी आपने कहा राहत को बुलाता ही नहीं, राहत फतेह अली खान को? एवरेज वो एवरेज कह सकते हैं वो नुसरत। ठीक हो गया। आपसे पूछेंगे एक सवाल, और वो सवाल ये है कि वो कौन सा जानवर है जिसके में 20,000 दांत होते हैं? 20,000 जानवर? जानवर मैं दोस्त इर्तजा। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, लेकिन इन सोशल एनिमल्स के मुंह में 20,000 दांत नहीं होते, 32 होते हैं। 32 दांत मेरी समझ से बाहर है कि 24,000 20,000 20,000
बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है, लेकिन है ना किसी के मुंह में तो होंगे, जानवर के मुंह में। कोई समझ नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही, तुक्का मार। स्नेक, स्नेक, स्नेक नहीं, बट इससे सिमिलर है, चले क्लू, इसके जवाब इससे सिमिलर है। सोचे जरा, स्नेक उन्होंने कहा इसी से मिलता जुलता जानवर है, ऐसे ही नाम का स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट सेम होंगे, मगर मैंने कहा स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट सेम होंगे। स्नेल, snail, snail is the right answer. तो काम आ रहा है, yes, snail is the right answer. लेकिन ये आधा gift फिर मुझे दे देना, मैंने तो अभी help. आप सब ये रहा four tile का gift. तो आपके लिए आप एक tongue twister करेंगे. क्या? Tongue twister. कर सकते हैं. Let's try, let's try. Try कर, आप try कर लें. मेरा gift तो मुझे मिल गया. नहीं, मैं वापस ले लूँगी. नहीं, it's rubber. बर्बर गरबर बर्गर, रबर बर्गर, इट्स वेरी इजी, गौर से सुनेंगे ना फिर हो जाएगा। रबर बर्बर, मैं भी भूल गई, रबर बर्बर बर्गर गरबर, रबर बर्बर गरबर बर्गर। वेल थैंक यू सो मच, शुक्रिया। प्रोग्राम में हम यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए सिटी 42। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ और लोगों के पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम कोमल। कोमल, आप कवाली नाइट एंजॉय करी? हाँ जी, थोड़ी सी की है मैंने एंजॉय। सही, कवाली में इंटरेस्ट है? जी मुझे, आई एम अ पोएट मायसेल्फ। अच्छा, आप पोएट हैं, किस किस्म की पोएट्री आप करती हैं? फेमिनिस्ट पोएट्री। अच्छा, फेमिनिस्ट पोएट्री करती हैं, पसंद है आपको फेमिनिज्म वाली ये जो चीज़ है और इसमें आप सपोर्ट करती हैं? या ये चीज़ नहीं है, ये चीज नहीं है, ये फिर क्या है? ये मूवमेंट है। अच्छा चले, मूवमेंट है, आप इसको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, ये लेकिन इसमें तो बहुत क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं, इवन लड़कियां भी करती हैं। हाँ, लड़कियां करती है क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि असल में क्या बात है। जैसे आपने कहा कि चीज है, तो ये सबको ये लगता है कि चीज है, चीज नहीं है, ये अंदर की बात है, जात की बात है, गहराई की बात है, सबको नहीं समझ आती है गहराई की बात है। ठीक है, सबको नहीं समझ आती है, लेकिन कुछ को आ भी जाती है। लेकिन मैंने बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी रीज़नेबल ख़वातीन ऐसी देखी हैं जिनको कुछ चीज़ों पर, वो औरतों के हकूक़ की बात करती हैं लेकिन कुछ चीज़ों पर एतराज़ होता है, और वो शायद काबिल एतराज़ होती भी हैं, अब उन चीज़ों को भी सपोर्ट करती हैं। जैसे क्या? जैसे बहुत, अब मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। बहरहाल, आप हर चीज़ में 100% चीज़ तो नहीं परफेक्ट होती ना, कुछ प्लस माइनस तो होता है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं? कुछ औरतों के हकूक़ की बात तो मैं भी करती हूँ, आप भी करती हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि इस्लाम है, जैसे तो इस्लाम के जो इमेज है वेस्ट के अंदर वो बड़ी बुरी है, वो कहते हैं कि बड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, रेडिकल होते हैं। आपको पता है, मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। इवन इस्लाम के भी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज निकालने जाएँ तो लोग निकाल लेते हैं, हर चीज़ के अंदर फ्लॉ अगर आपको निकालना है। लेकिन फ्लॉज को हम सपोर्ट नहीं करते, हम औरतों के हकूक को सपोर्ट करते हैं। ठीक, मुझे आप ये बताएं कि आपने कहा कि आप पोइट्री करती हैं, आप किस किस्म की पोइट्री करती हैं? फेमिनिज्म पर पोइट्री करती हैं या इसके अलावा भी कोई टॉपिक होता है? फेमिनिज्म पर नहीं होता है, मेरा अपना ऊपर होता है, औरतों के ऊपर होता है। आवाज़ आ रही? बहुत शोर है यहाँ पर, आवाज़ थोड़ा सा लाउड बोलिए। तो पोइट्री मेरी यार अपने ऊपर है, औरत के ऊपर है, फेमिनिज्म पर ही कह सकते हैं। सही हो गया, तो फिर लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, फ्रेंड्स हो गए। बीएनयू में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ी? मैं लिबरल आर्ट्स पढ़ी। क्या आप अपनी फ्रेंड के बारे में क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ कि शी इज़ वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ माय पोएट्री, इसलिए बता रही थी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह करे कि आप अच्छी अच्छी मजीद तरक्की पाएँ और मजीद अच्छी अच्छी पोइट्री आप करें। ठीक, आप आज की स्टूडेंट हैं, आगे जाके आपका क्या दिल करता है, किस फील्ड को ज्वाइन करें? ये फेमिनिज्म की तो बात आप कर रही हैं, औरतों के हकूक की भी बात कर रही हैं, इसके अलावा आप क्या करना चाहती हैं? इसके अलावा मैं क्या करती हूँ,
इसके अलावा यार जिंदगी गुजारती गुजर रही है ऐसे. आगे मेरा प्लान है कि आई वुड बी गिविंग माई CSS एग्जाम. दैट इज़ द ओनली प्लान राइट नाउ. बट आई बिलीव के यू कॉन्ट प्लान. I just go with the flow. चले ऑल द वेरी बेस्ट. अल्लाह करे कि आप CSS भी क्लियर कर जाएं. आपसे पूछेंगे एक सवाल और वो सवाल ये है कि वो कौन सा जानवर है जिसके मुंह में 20,000 दांत होते हैं? 20,000? I don't know. आप तुक्का मार सकती हैं. एक डायनासोर. No, dinosaur is not the right answer. आपने पोइट्री की बात की, अपना कोई शेर सुनाए जो आपकी अपनी तहरीर हो. काफी लंबे हैं मेरे लिए थोड़ा सा. आप उसको शॉर्ट करके सुना दें. कुछ लाइन सुना. सितम के जरों के निशा मांगता है, एक शख्स मुझसे गवाह मांगता है. मैली वो मुझ पर निगाह डालता है, मैं रोकूं तो मुझसे गवाह मांगता है. बस अभी यहाँ पे बहुत शोर है, मैं गौर से सुन नहीं पाई, लेकिन इसको मैं बाद में सुनूंगी. थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शहरिया राशिद. शहरियार, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं बीकनहाउस में? बीए ऑनर्स. फिर आगे जाके आपने क्या करना? आगे इंशाल्लाह जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट बनना है. जर्नलिस्ट के आजकल हालात बड़े बुरे हैं. सही बात कर रही हैं आप. सही कह रहे हैं ना, तनख्वाहें मिल नहीं रही. एक आप भी सहाफ़ी बनकर आ गए तो हमें तनख्वाहें पहले ही नहीं मिल रही, फिर मजीद नहीं मिलेगी. तो शायद मैं आगे चेंज कर दूँ. अच्छा चलिए, अल्लाह करे कि आपका कदम मुबारक हो और आप आए तो मीडिया के हालात भी संवर जाए. ऐसे तो लगता है कि हुकूमत के जाने के बाद संवरे, लेकिन आपके आने से संवर जाए. बेशक, हो सकता है. हो सकता है ना. ठीक है, कायम है उम्मीद पे दुनिया. बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है. मुझे ये बताएं कवाली में किस हद तक इंटरेस्ट है आप? कवाली में काफ़ी इंटरेस्ट है. मैं सिक्योरिटी में हूँ. सॉरी, मैं सिक्योरिटी में हूँ. सिक्योरिटी टीम में हूँ. सुबह से आया हूँ तो आप इधर से इंटरेस्ट देख लें कितना होगा. सिक्योरिटी में है और कवाली में बड़ा इंटरेस्ट है, दोनों का क्या मैच है? समझ नहीं आई. वो जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो तो सिर्फ इंजॉय करके निकल जाएगा. तो मुझे इंटरेस्ट है, मैं चाह रहा हूँ ताकि अच्छी कवाली हो. मैं सिक्योरिटी उसकी कर रहा हूँ, सारी चीज़ मैनेजमेंट. अच्छा, तो ये कवाली नहीं, यहाँ पर तो और भी जितने फंक्शन होते होंगे उसकी सिक्योरिटी में आप होते होंगे या नहीं? नहीं नहीं, डिफरेंट होता है. अगर आपको पसंद है तो आप आ जाइए, कोई मसले वाली बात नहीं है. अब मन मुझे पसंद है, पसंद थी तो इस वजह से मैं उसकी सिक्योरिटी में आ गया. अच्छा, और किस तरह से आप सिक्योरिटी को मेंटेन रख रहे हैं? काबू में है सब कुछ? जी, सब कुछ काबू में है. हमारे काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, राउंड अबाउट कोई 90 हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमने मेंटेन. ठीक हो गया. मुझे ये बताएं कि आपके पास 3 व्हीकल्स की चॉइस है, ये पहेली है. ठीक है, आपके पास गाड़ी है, बाइक है और बाइसिकल यानी कि साइकिल है. आपने आटा पिसवाने जाना है, आप कौन से व्हीकल का इंतखाब करेंगे? आटा पिसवाया नहीं जाता. हाउ? गंदम पिसवाई जाती है. हाँ, यस, इट्स द राइट आंसर. और आप कोई तीसरे शख्स हैं जिन्होंने हमें सही जवाब दिया. आपको फोर टाइल की तरफ से गिफ्ट देना चाहेंगे बिकॉज यू गेव अस द राइट आंसर. ये रहा फोर टाइल का गिफ्ट आपके लिए, लेकिन इससे पहले या पकड़ ले, लेकिन आपके जाने से पहले हम आपसे एक टंग ट्विस्टर भी करवाएंगे. और टंग ट्विस्टर ये है कि रबर बर्बर गरबर बर्गर. रबर बर्बर गरबर रबर. रबर बर्बर गरबर बर्गर. रबर बर्बर गबर. वेल, थैंक यू सो मच. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? मरियम. मरियम, मरियम आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ी हैं बीएनयू? मैं लिबरल आर्ट्स पढ़ रहा हूँ. ठीक, कवाली में किस हद तक इंटरेस्ट है? कवाली में बहुत इंटरेस्ट है बिकॉज़ आई लव सुफियाना कलाम्स. ठीक, और कौन से कवाल आपको बहुत पसंद है? नॉट एज स्पेसिफिकली बट आब्दा परवीन, आई लव हर. ठीक हो गया. ठीक, आपसे पूछेंगे एक सवाल और वो सवाल ये है कि वो कौन सा जानवर है जिसके मुँह में 20,000 दांत होते हैं? 20,000 इज टू मच. Yes, it's too much, but होता है एक जानवर जिसके मुंह में इतने ज़्यादा दांत होते हैं? No, I don't have any idea about this. You can make a guess. No, not even a guess. चलें, आपसे एक tongue twister करवाएं. Yeah. Are you able to do it? Maybe. चलें. Rubber, berber. Berber. Rubber, berber, gerber, burger. Rubber, berber, gerber, burger. Rubber, berber, gerber, burger. Rubber, berber. गरबर बर्गर. बहुत मुश्किल है, मुझसे भी नहीं आ जो. It is. रबर बर्बर गरबर बर्गर. It's fine. Well, thank you so much. अच्छा लगा आपसे बात करके और आप अपना सूप एंजॉय करें. थैंक यू सो मच.
ये तो था आज का प्रोग्राम और आज हम आए थे बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी जहाँ पर कवाली नाइट का इनेकाद किया गया था और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस कवाली नाइट को इन्जॉय कर रहे हैं और आई एम श्योर कि जो आज का प्रोग्राम था आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। कवाली नाइट से भी आप खूब लुत्फानंदोज़ हुए होंगे। आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, लेकिन जाते जाते आपके साथ एक सवाल का जवाब शेयर करूँगी। बाकी दो सवाल पूछे थे उनके सही जवाब आ गए, एक का नहीं आया था और वो सवाल ये था कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके मुँह में 20,000 दांत होते हैं। सो इसका सही जवाब है स्नेल। आप सबसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए स्पॉट पर विद सम न्यू स्टफ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।